अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आज मैं आपको बीफ पास्ता बनाना बताऊंगी जो कि बच्चों की बहुत फेवरेट होती है और हम इसको पार्टीज़ में भी बना सकते हैं। और सबसे पहले हम इस चैनल को आप सब्सक्राइब करें और लाइक करें वीडियो को। अब मैं आपको इसके बनाने का तरीका बताती हूँ। सबसे पहले हम इसमें 1 टेबल स्पून बटर लेंगे और इसमें ऑयल डाल लें। उसके बाद देखेंगे इसमें प्याज डाल दीजिए, एक बड़ी काट के जो मैंने पहले से रखी हुई थी, और जब मैं थोड़ा सा कलर उसका चेंज हुआ तो मैं इसमें लहसुन डाल दिया और लहसुन को भी हम अच्छे से फ्राई कर लेंगे। बीफ का कीमा दिया है मैंने इसके रेसिपी के लिए, बीफ का कीमा हम इसमें डाल देंगे। उसको अच्छी तरह से फ्राई करेंगे ताकि जो है इसकी स्मेल अच्छे से निकल जाए और लहसुन की खुशबू उसमें आ जाए। और इसको देखिए मैंने बहुत अच्छे से फ्राई किया है और मैंने अब इसमें मसाले डालेंगे सारे। और सबसे पहले इसमें डालेंगे लाल मिर्च, 1/2 टीस्पून डालेंगे इसमें हम लाल मिर्च, बहुत कम स्पाइस डालें ताकि बच्चे इसको आराम से खा सकें। और फिर उसके बाद सूखा धनिया डालेंगे 1/2 टीस्पून। देखिए ऑयल बिल्कुल ऊपर आ चुका हुआ है उसका, जो अच्छा सा भुना हुआ है। मैंने इसमें हल्दी डाली है बिल्कुल थोड़ी सी, और सब स्पाइस इसमें आहिस्ता आहिस्ता हम इसमें डालते जाएंगे। अब इसमें नमक डालूँगी, इस पर जायका जितनी ज़रूरत होगी हमें। नमक डालने के बाद इसमें मैं क्रश पेपर डालूँगी, काली मिर्ची डालूँगी। काली मिर्ची हम इसमें 1/2 टीस्पून के करीब डालेंगे और फिर हम इन सब स्पाइस को अच्छे से मिक्स कर लेंगे। और फिर साथ ही साथ में इसमें देखिए मैंने इसमें 1/2 टीस्पून चाइनीज़ सॉल्ट डाला है, और बहुत ही मज़ेदार रेसिपी है ये। इसको हम अच्छी तरह से भून लेंगे और 2 से 3 मिनट इसको भूनने के बाद हम इसमें टमाटर डाल देंगे। टमाटर जो कि मैंने पहले से क्रश करके काट के रख लिए थे, और ये हमने 3 टमाटर मैंने इसमें लिए हैं। टमाटर को हम अच्छी तरह से भून लेंगे और जब टमाटर अच्छे से भूनते हैं तो हम जो सब्ज़ियाँ काटी थी वो इसमें डालेंगे। मैं इसमें डाल रही हूँ ब्रोकली और शिमला मिर्च, और ब्रोकली और शिमला मिर्च को हम कवर करके नहीं डालेंगे ताकि जो है खड़ी जो ब्रोकली सब्जी वो अच्छी होती है, बिल्कुल जो बिल्कुल सॉफ्ट कर देते हैं, वो अच्छा टेस्ट नहीं आता। तो इसके बाद हमने इसमें बहुत चेस्टर सॉस डाला है और उसके लिए हम अच्छे से मिक्स कर लेते हैं। सब मसाले अच्छे से भून चुके हैं और सब्जियाँ भी थोड़ी सॉफ्ट हो चुकी हैं, तो इसमें मैंने मसाले को बॉयल करके रखा हुआ था पहले से मैंने रखा। और इसको हम कवर करेंगे। मैकरोनी बॉयल करते वक्त मैंने उसमें 1 टेबल स्पून ऑयल डाला था और सॉल्ट डाला था 1 टेबल स्पून। उसको जब पानी बॉयल हो गया था हमने पास्ता उसमें डाल दिया था। अभी देखिए कितना अच्छा कलर, कितना अच्छा सा बन चुका है, बहुत मज़ेदार है और मेरे बच्चों को बहुत पसंद है, तो मैं इसमें स्पाइस भी ज़्यादा नहीं डालती हूँ। अभी बनकर बिल्कुल तैयार।